जय श्री महाकाल। आदेश, क्या अघोरी को भोग आवश्यक है? क्या अघोरी को नशे में डूबा रहना आवश्यक है? क्या मांस भक्षण करना आवश्यक है? स्वयं का मलमूत्र सेवन करना आवश्यक है? तो जवाब है नशा। आवश्यक नहीं है, ये प्रथम श्रेणियां हैं। कुछ प्रारंभ में साधक गांजे का प्रयोग इसलिए करता है, इस कारण से करता है कि गांजे से वीर स्तंभित होता है, गांजा पीने से चित्त स्थायित्व पकड़ता है। द्वितीय चरण में भांग में धतूरे के बीजों को पीसकर पीना कामेच्छा पर अंकुश लगाता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, क्योंकि अभ्यस्त होने के बाद इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ये कृत्रिम उपाय हैं। खुमारी या नशा कृत्रिम चीजों से पैदा करना पड़ता है, लेकिन ना ये खुमारी स्थाई है ना ये नशा स्थाई है। ये स्थाई होता है कब? जब से, इष्ट के जब से। तो जब इष्ट का जाप साधक करता है तो एक नशा बनता है, एक दिमाग मन शरीर पे एक नशा छाता है। वो नशा होता है शिव में रत अघोर तत्व का नशा। फिर इस कृत्रिम नशे का कोई प्रायोजन नहीं रहता, फिर कृत्रिम नशे की आवश्यकता नहीं रहती। शेर अपने आप को प्रमाणित करने के लिए मांस खाकर नहीं दिखाता कि वो मांस खा के दिखाए तो वो प्रमाणित हो कि वो शेर है, बल्कि वो अपने से दोगुने वजन के भैंसे का शिकार करके अपने शेर होने का प्रमाण देता है। यानी हर मांस खाने वाला पशु शेर नहीं होता। मांस खाना नहीं बताता कि वो अघोरी है। अघोर के अपने कुछ नियम हैं। वो शराब में कोई आनंद नहीं है, ना शराब का स्वाद अच्छा है, ना उसकी गंध अच्छी है, लेकिन जो माहौल बनता है वो आकर्षित करता है, जो खुमारी छाती है वो आकर्षित करती है। मगर विकल्प है, वो खुमारी जप में है, वो आनंद तप में है। एक बार खोज के देखो तब पता चलेगा इन चीज़ों का। तो सबसे बड़ी बात है बंदिशों से आज़ाद हो जाना। जब तक ये लागू होता है अघोरी को भोग आवश्यक है, अघोरी को मदिरा पान करना आवश्यक है, अघोरी को मांस खाना आवश्यक है, तब तक वो अघोरी नहीं है। वो नियम में बंधा हुआ या एक भ्रांतियों में बंधा हुआ एक व्यक्ति है, उसे साधक भी नहीं बोल सकते। तो जहाँ बंदिशें खत्म हो जाएं, नियम विसर्जित हो जाएं, श्रेष्ठ निकृष्ट का भेद खत्म हो जाए, आसक्ति के प्रति वो आश्वस्त हो जाए, अर्थात उसके लिए ना मदिरा महत्वपूर्ण रहे ना ही गंगा जल, उसके लिए ना मांस आवश्यक रहे ना ही अन्न, चाहिए विरक्तता हो, यानी बंधनों से मुक्ति ही उन्मुक्तता का प्रथम चरण है। सारे बंधनों से मुक्त, सारी स्मृतियों से परे, एक परम शून्यता ही अघोर के घटित होने की पात्रता को प्रमाणित करती है। जो हर भोग, जब तक भोग शेष है, जब तक वो पहचानता है ये भोग है, तब तक वो अघोरी नहीं है। जो भी कार्य भोग में आते हैं उन सभी कार्यों से परे हो, पूर्ण तपी, पूर्ण तपी अर्थात शरीर को और शरीर के दोषों को, काम लोभ मोह व्यसन और अहंकार को, तप रूपी अग्नि में भस्म करने वाला साधक, और पूर्ण वृत्ति यानी सभी इंद्रियों को सभी रस व्यंजनों से खींचकर सुसुप्त कर देने वाला साधक ही। ध्यान देने वाली बात है कि वृत्ति,
व्रती व्रत करने का अर्थ ये है कि सभी रस व्यंजनों से खींचकर अपनी इंद्रियों को सुसुप्त कर दे। वही साधक ही अघोर तत्व को घटित कर सकता है। कुछ लोग अपने अहंकार की पुष्टि और स्वयं को महान प्रचारित करने के लिए कोई भी गतिविधि अपना सकते हैं, कोई भी गतिविधि। वो स्वयं नहीं बोलना चाहिए, स्वयं की भिष्ठा, स्वयं का मूत्र भी पी लेते हैं, केवल ये सिद्ध हो जाए कि वो अघोरी हैं। बस श्रेष्ठ निकृष्ट के भेद से परे होने का अर्थ ये नहीं कि स्वयं का मल खा के अपना मूत्र पी के दिखा दो कि मैं श्रेष्ठ निकृष्ट से परे हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ें श्रेष्ठ हैं, मेरे लिए कोई चीज़ निकृष्ट नहीं है। अगर अघोरी की यही प्रमाणिकता है तो कोई संकोच नहीं एक चीज़ बोलने में। डिस्कवरी पे एक बेयर गिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक प्रोग्राम आता है, उसमें बेयर गिल्स जी हैं। तो अगर ये चीज़ प्रमाणित करती है कि अघोरी ये सब करता है, तो भाई बेयर गिल्स से बड़ा अघोरी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। कुछ लोगों के हिसाब से तर्क, भाई ऐसे तर्क किस काम के, निरर्थक अर्थ। तर्क ऐसा दो जो उचित समीकरण निर्मित करे, लेकिन कुतर्क को तर्क का डमी बनाकर पेश ना करें। फिर तो एक बात और है, ध्यान दें, तर्क एक हथियार की तरह है। हथियार का इस्तेमाल एक बलवान व्यक्ति कर सकता है किसी भी तरीके से। तो बस ऐसा ही तर्क है कि तर्क को जितनी भी उच्च बौद्धिक क्षमता होगी, वो उस तरीके से तर्क का इस्तेमाल कर सकता है और उस तरीके से तर्क का इस्तेमाल करेगा। तर्क का इस्तेमाल जितनी बड़ी बौद्धिक क्षमता, उतना बड़ा इस्तेमाल। जय श्री महाकाल। आदेश।